फ्रेंड्स, टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कल्चर मीडिया का पार्ट टू टॉपिक है। पार्ट वन में हमने क्या डिस्कस किया था, पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कल्चर मीडिया क्या है, कल्चर मीडिया का यूज क्या होता है और कल्चर मीडिया की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी की बेस पे। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मिस कर लिया है तो वो माइक्रोबायोलॉजी जो प्ले लिस्ट है उसमें अवेलेबल है। अगर आपको उधर से भी नहीं मिल रहा तो आप इस वीडियो की डिटेल में मैंने उस पार्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पार्ट वन को देख सकते हैं, तो आपको पार्ट टू भी और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो पार्ट टू में आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, लेकिन किस बेस पे, कंपोजिशन की बेस पे। यानी कि ऐसा क्या हम कल्चर मीडिया में डालते हैं स्पेशल, जिसकी वजह से वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बन जाते हैं। पिछले लेक्चर में तो हमने कंसिस्टेंसी की बेस पे किया था कि यानी कि कल्चर मीडिया या तो सॉलिड होंगे या सेमी सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन की बेस पे, यानी कि क्या ऐसी कंपोजिशन होगी जिसकी वजह से कल्चर मीडिया को क्लासिफाई करना पड़ता है। तो कंपोजिशन की बेस पे कल्चर मीडिया को क्लासिफाई किया जाता है चार टाइप्स में। वो कौन कौन सी हैं, वो है सिंपल मीडिया, इसके नाम से ही आपको पता चल जाता होगा या अंदाजा हो गया होगा, सिंपल मीडिया यानी कि इसके अंदर एक सिंपल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, कोई खास जो है वो एडिशन नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया, यानी कि इस मीडिया का नाम या तो सिंथेटिक मीडिया होगा या फिर डिफाइंड मीडिया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है सिंथेटिक मीडिया क्या है या अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइंड मीडिया क्या है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों मीडिया जो है वो एक ही चीज का नाम है। थर्ड आ जाता है वो है नॉन सिंथेटिक और कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो इसी तरह अगर आपसे नॉन सिंथेटिक मीडिया के बारे में पूछा जाए या कॉम्प्लेक्स मीडिया के बारे में पूछा जाए, तो वो एक ही मीडिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। या अक्सर आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक मीडिया, या आपसे इस तरह पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये मीडिया जो है वो एक ही नाम से। फोर्थ पे आ जाता है स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया में कौन कौन से मीडिया होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके साथ वन बाय वन इन चारों मीडिया को डिस्कस करूंगी। और एक और पॉइंट मैं बताती चलूं कि जब हम ये आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं कल्चर मीडिया को, तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ लें। फिर मैं आपके साथ जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगी वो इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये टॉपिक जो है वो और अच्छी तरह याद हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम्स में स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछा जाता है कल्चर मीडिया के ऊपर, या तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज कल्चर मीडिया, व्हाट इज द यूज ऑफ कल्चर मीडिया एंड क्लासीफाई कल्चर मीडिया ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी, या ये पूछा जा सकता है व्हाट इज कल्चर मीडिया, व्हाट इज द यूज ऑफ कल्चर मीडिया एंड क्लासीफाई कल्चर मीडिया ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सिंपल मीडिया, एक चीज मैं सॉरी बताना भूल गई कि सिंपल मीडिया को बेसिक मीडिया भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, सिंपल या बेसिक। तो ये मीडिया क्या है, दीज आर सिंपल मीडिया दैट विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ये मीडिया उन बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए यूज किए जाते हैं जिनको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है या स्पेशल कोई खुराक नहीं चाहिए होती है। इसकी मिसाल क्या है, न्यूट्रिएंट एगर या न्यूट्रिएंट ब्रोथ। अब अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो आपको एगर और ब्रॉथ का मतलब अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट एगर यानी के सॉलिड मीडिया और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यानी के लिक्विड या ब्रॉथ मीडिया। तो न्यूट्रिएंट एगर या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है ये सिंपल मीडिया की एग्जांपल है, क्योंकि ये जो एगर्स होते हैं इनके अंदर एक सिंपल टाइप ऑफ कंपोजिशन होती है जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है जिनको कोई खास स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है। तो ये किस लिए यूज होते हैं, दे आर ऑफन यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एनरिच मीडिया, यानी कि इन्हीं मीडियाज को आगे से एनरिच मीडिया के लिए यूज किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा मीडिया है
और या फिर ये यूज किया जाता है यानी कि फॉर सब कल्चरिंग पैथोजेंस। सब कल्चरिंग यानी कि एक दफा उन पैथोजेंस को कल्चर किया जा चुका है और उसी कल्चर से दोबारा जो है अब वो न्यूट्रिएंट मीडिया पे, सॉरी सिंपल मीडिया पे कल्चर किया जा रहा है। वो कहाँ से पहले कल्चर हुए हुए थे? वो हुए हुए थे डिफरेंशियल या सिलेक्टिव मीडिया से, उस कल्चर को लिया गया है। तो वो क्यों लिया जाता है? परफॉर्म करने के लिए बायोकेमिकल और सीरियोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए, यानी कि फर्दर जो टेस्टिंग के लिए परफॉर्म करना अगर हो तो कई दफा बैक्टीरिया को सब कल्चर किया जाता है सिंपल मीडिया पे। डिफरेंशियल और सिलेक्टिव मीडिया क्या है वो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे स्पेशल मीडिया में। तो ये तो था सिंपल मीडिया। इसकी आप इसी तरह इजीली एग्जांपल ले लें, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए या एनिमल्स हो गए। आप एक अगर जू में भी जाते हैं कि जिधर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, तो कई एनिमल्स ऐसे होंगे जिनकी खुराक जो है वो सिंपल होगी, उनको कोई ज्यादा स्पेशल नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर उसी जू में अगर कोई एक्वेरियम है या फिशेज है, तो उन फिशेज की खुराक जो वो बिल्कुल सेपरेट होगी, स्पेशल खुराक होगी। तो वो उनकी खुराक जो है वो आम जानवरों की खुराक से मुख्तलिफ होगी। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिनको सिंपल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कोई खास न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए होते, वो ग्रो कर जाते हैं। और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको अगर स्पेशल न्यूट्रिशन दिया जाए तो ही वो ग्रो करते हैं। तो ये तो था डिफरेंस सिंपल मीडिया का और बेसिक मीडिया का। अब सेकंड आ जाता है सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया। सिंथेटिक या डिफाइंड से मतलब डिफाइंड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। डिफाइंड यानी कि हर चीज को प्रॉपरली बताया गया है या डिफाइन किया गया है। तो यानी कि इस मीडिया में जो भी चीज यूज हो रही होगी वो प्रॉपरली एक्सप्लेन होगी कि इसकी क्या कंपोजिशन है या कितना प्रोपोर्शन लिया गया है। आपको उसका एग्जैक्ट हर चीज जो है वो मालूम होगी। प्योरीफाइड इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। प्योरीफाइड यानी कि ऐसा इंग्रेडिएंट जिसका आपको एग्जैक्ट पता होगा कि इसकी क्या कंपोजिशन है। तो उस मीडिया, उस टाइप ऑफ मीडिया को हम सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया कहेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है केमिकली डिफाइंड मीडियम इज वन प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योरीफाइड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर फॉर एग्जैक्ट कंपोजिशन इज नाउन। ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि आपको उस मीडिया की एग्जैक्ट कंपोजिशन और जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है उसकी भी एग्जैक्ट कंपोजिशन आपको पता होगी। इसकी मिसाल क्या है? पेप्टोन वाटर। कई मीडिया इसके अंदर पेप्टोन वाटर यूज किया जाता है। तो वो कौन से मीडिया हो जाएंगे? अगर सिंपल मीडिया में भी फॉर एग्जांपल पेप्टोन वाटर यूज किया जाएगा तो वो आगे से डिफाइंड मीडिया हो जाएगा। तो अब वो पेप्टोन वाटर आपको पता है कि वो 1% पेप्टोन लिया गया और उसके साथ डाला गया 0.5% NaCl वाटर के अंदर, तो वो पेप्टोन वाटर प्रिपेयर हुआ। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं सिंथेटिक मीडिया। और नेक्स्ट आ जाता है नॉन सिंथेटिक और कॉम्प्लेक्स मीडिया। नॉन सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स या इसको हम ये भी बोलेंगे अनडिफाइंड मीडिया। तो इससे अब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक का डिफरेंस। यानी कि सिंथेटिक में हर चीज जो है वो डिफाइंड थी, प्योर इंग्रेडिएंट था, लेकिन नॉन सिंथेटिक में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर ऐसा कंपोनेंट होगा या तो वो प्योरीफाइड नहीं होगा या फिर उसका जो है वो जो यूज है वो बैच टू बैच सेम नहीं होगा। तो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कंटेन एटलीस्ट वन कंपोनेंट दैट इज नाइदर प्योरीफाइड नॉर इवर कम्प्लीटली कंसिस्टेंट फ्रॉम बैच टू बैच। यानी इसमें यही बताया गया है कि ऐसा मीडिया होगा जिसके अंदर एक कंपोनेंट जो है या तो उसकी कंपोजिशन जो है वो एग्जैक्ट मालूम नहीं होगी, वो फुल प्योरीफाइड नहीं होगा। प्योरीफाइड का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और या तो फिर वो हर बैच में डिफरेंट लेवल का यूज हुआ होगा, उसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट होगी। यानी कि हो सकता है किसी चीज में वो एज अ सॉलिड यूज हो रहा हो, किसी चीज में वो एज अ लिक्विड यूज हो रहा हो, किसी चीज में वो एज अ सेमी सॉलिड यूज हो रहा हो। तो इसकी एग्जांपल है ब्लड एगर या फिर बीफ एक्सट्रैक्ट। अब बीफ एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया गया है ये लैब में एगर के अंदर यूज करने के लिए या मीडिया के अंदर यूज करने के लिए। तो आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि ये एक्सट्रैक्ट जो है वो उसके कौन से हिस्से से आया है, फिर कि उसकी फर्दर क्या क्या कंपोजिशन थी। तो वो चीजें जो है वो एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आप सिर्फ उस एक्सट्रैक्ट को लेते हैं और मीडिया के अंदर यूज कर लेते हैं। तो इस टाइप ऑफ मीडिया को कहेंगे नॉन सिंथेटिक और कॉम्प्लेक्स मीडिया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप जो कि है स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया में कौन कौन से मीडिया हैं?
एनरिच मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, एनरोबिक मीडिया, आइडेंटिफिकेशन मीडिया। यानी स्पेशल मीडिया से यही मुराद है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज हुआ है ताकि अगर कुछ बैक्टीरिया जिनको स्पेशल इन्वायरमेंट के स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, तो वो इस मीडिया में प्रोवाइड की जाती है ताकि उन बैक्टीरियाज को हम स्टडी कर सकें। तो अब हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच का मतलब ही ये है कि एक मीडिया को एनरिच कराया गया है, यानी कि उसकी उसके अंदर एक ऐसा खास न्यूट्रिशनल एलिमेंट डाला गया है कि अब वो और ज़्यादा एनरिच हो गया है द ग्रोथ करने ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे अब पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें लिखा हुआ क्या है। एनरिच मीडिया आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एग्जैक्टिंग ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। यानी कि एनरिच मीडिया क्या है कि ऐसा मीडिया जिसके अंदर ऐसा एलिमेंट डाला गया है या उसको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए होता है जो कि सपोर्ट कर सके ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो, और उन ऑर्गेनिजम्स को वो एग्जैक्टली वो एलिमेंट चाहिए तभी वो ग्रो कर सकेंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर ब्लड है, तो ब्लड हीमोग्लोबिन है। अगर हम आयरन कंटेनिंग फूड नहीं खाएंगे तो हम एनीमिया होता जाएगा, जो कि आगे से अगर ट्रीटमेंट नहीं लो तो प्रॉब्लम कर लेता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लोग ह्यूमन बींग्स को कई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, अगर वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होंगी तो भी क्या कहते हैं आपके अंदर डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी चीज़ों की। मिसाल के तौर पर अगर आप सादा पानी सारा दिन पीते रहेंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते जब तक कि आप उस पानी के साथ कुछ ना कुछ और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ना लें। इसी तरह बैक्टीरिया को भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जैक्ट ऐसी ग्रोथ रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, अगर वो ना दी जाएँ तो फिर वो आर्टिफिशियल मीडियाज पर ग्रोथ नहीं दिखा सकते। तो इस मीडिया को इसलिए एनरिच मीडिया बोला जाता है क्योंकि मीडिया को एनरिच कराया जाता है ऐसी एग्जैक्ट ग्रोथ रिक्वायरमेंट से जो कि जिस बैक्टीरिया को हम स्टडी करने जा रहे हैं उसकी ग्रोथ को वो हेल्प आउट करेगा। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बेसिक मीडिया यूज़ किया जाता है मोस्टली वो एनरिच कराया जाता है, तो आगे देखिए आप लिखा हुआ है कि बेसिक मीडिया में भी एनरिच्ड विद। अब बेसिक मीडिया को कौन कौन सी चीज़ों से एनरिच कराया जाता है जो कि हेल्प आउट करेंगी ऑर्गेनिजम्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो होल ब्लड भी हो सकता है या लाइव ब्लड भी हो सकता है। होल ब्लड आपको पता है ब्लड अगर है तो उसमें होल ब्लड यूज होगा, लेकिन चॉकलेट अगर में लाइव ब्लड यूज होता है। तो अब आपको इधर से ये अंदाजा हो जाएगा कि होल ब्लड एगर और चॉकलेट एगर कौन से मीडिया हैं एनरिच मीडिया। तो होल ब्लड या लाइव ब्लड, इसके अलावा कौन कौन से अदर एनरिच एलिमेंट्स यूज होते हैं? सीरम, पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, विटामिन और कई दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये यूज किए जाते हैं एनरिच मीडिया बनाने के लिए। अब इन मीडिया एनरिच मीडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एनरिच मीडिया की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि सच मीडियम इज ऑफन यूज फॉर स्पेसिमेंस कलेक्टेड फ्रॉम साइट्स विच आर नॉर्मली स्टेराइल। यानी कि ये स्पेसिमन, वो वाला स्पेसिमन एनरिच मीडिया पे ग्रोथ कराया जाता है, ये स्पेसिमन उस जगह से कलेक्ट किया जाता है जहाँ पे मोस्टली नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते हैं। तो आपने देखना होता है, आपने इंश्योर करना होता है कि वाकई उस स्पेसिमन में ये ऑर्गेनिज्म मौजूद है या नहीं है, क्योंकि ये ऐसी जगह से आया है, ये स्पेसिमन ऐसी जगह से कलेक्ट किया गया है जहाँ पे नॉर्मली बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते। आपको जैसे पता होगा कि हर ह्यूमन बीइंग में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, या फिर पस जो है वो हो गया, या फिर जो बॉडी के अंदर दूसरे फ्लूइड होते हैं साइनोवियल फ्लूइड या एस्टेटिक फ्लूइड्स, ऐसे फ्लूइड्स में जो है ऑर्गेनिजम्स मौजूद नहीं होते, वो बिल्कुल स्टेराइल होते हैं। तो अगर ऐसी जगहों से स्पेसिमन कलेक्ट किया गया है तो मोस्टली वो एनरिच मीडिया पे ग्रोथ कराया जाता है ताकि कंफर्म किया जा सके कि वाकई इस मीडिया इस स्पेसिमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे या नहीं थे। तो वो अगर स्पेसिमन कलेक्ट किया जाएगा तो ये मीडिया जो है वो सपोर्ट करेगा उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। तो इसमें एग्जांपल कौन सी हैं? ब्लड एगर हो गया, चॉकलेट एगर हो गया, और कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और नाइसेरिया।
अब नेक्स्ट आता है वो है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए इसके नाम से कि ये एक खास पर्टिकुलरली मतलब उसी बैक्टीरिया को ग्रोथ कराएगा जो हमें रिक्वायर है, या उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराएगा जो हमें रिक्वायर है, यानी कि ये सिलेक्टिव है। तो इस मीडिया के नाम से ही आपको अंदाजा हो गया है। तो अब इस मीडिया में मोस्टली सॉलिड मीडिया ही ये टाइप होंगे। दीज आर सॉलिड मीडिया विच कंटेन सब्सटेंसेस। अब ये ऐसा सॉलिड मीडिया है जिसके अंदर कौन से सब्सटेंसेस होंगे, बाइल साल्ट होंगे, केमिकल्स होंगे, एंटीबायोटिक्स या डाइज होंगे। तो ये क्यों यूज होता है, सिलेक्टिव मीडिया इसलिए यूज होता है क्योंकि ये इनहिबिट करता है, ये रोकता है एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेगा और सिर्फ अलाउ करेगा एक ही ऑर्गेनिज्म ग्रो करे। जैसे हमने इसके नाम से बोला सिलेक्टिव मीडिया, यानी कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म को सिर्फ और सिर्फ अलाउ करेगा कि वो ग्रो करे उस मीडिया पे, और बाकी ऑर्गेनिज्म्स को ये अलाउ नहीं करेगा। और ये कैसे होगा, बाय हम इसमें ऐड करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस जिससे ये सिलेक्टिव हो जाएगा, जैसे कि बाइल सॉल्ट हो गए, केमिकल्स हो गए, एंटीबायोटिक या फिर डाइज होगी। अब सिलेक्टिव मीडिया की जरूरत क्यों पड़ती है, अब सिलेक्टिव मीडिया जो है वो एक तरह से एनरिच मीडिया का ऑपोजिट है। किस तरह ऑपोजिट है, क्योंकि सिलेक्टिव मीडिया जो है वो हम तब यूज करेंगे जब हमने स्पेसिमन लिए उस जगह से जहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा जो है उसके बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ऑलरेडी। तो फिर हमने क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है सिर्फ हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये जरूर उस जगह पे जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा, जैसे थ्रॉट हो गया ऐसी जगहों पे, या यूटीआई हो गया, या यूजेनिटल हो गया, इन जगहों पे जो होता है नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरियल पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन आप अब सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस जगह पे मतलब मिसाल के तौर पे कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है, तो अब आपने सिर्फ उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए जरूरी है आपके लिए कि नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया जो है वो उस मीडिया पे ग्रो ना करें। तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए आप सिलेक्टिव मीडियम यूज करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, कोई कंटेमिनेशन नहीं चाहिए, कोई नॉर्मल फ्लोरा नहीं चाहिए। तो इस वजह से आपको सिलेक्टिव मीडिया यूज करना पड़ता है। तो ये किसका डिफरेंस हो गया, एनरिच मीडिया में हमने स्पेसिमन कलेक्ट किया था स्टेराइल एरिया से, लेकिन सिलेक्टिव मीडिया में एक्चुअली स्पेसिमन हम वहां से कलेक्ट कर रहे हैं जहां पे पहले नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है। तो हमने रोकना है अनवांटेड कंटेमिनेटेड बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो इसकी एग्जांपल जो है वो लॉन्गस्टेन जेंसेन मीडियम है। लॉन्गस्टेन जेंसेन मीडियम आपको पता है माइकोबैक्टीरियल स्पीशीज के लिए यूज होता है, खासतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ के लिए जो है ये मीडियम जो है सिलेक्टिव यूज होता है। इसी तरह फर्दर जब मैं आपके साथ फ्यूचर में ऑर्गेनिज्म डिस्कस करूंगी तो हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई सिलेक्टिव मीडिया होगा जिसपे उसको ग्रोथ कराया जाता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी सिलेक्टिव मीडिया किसे कहते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट मीडिया की तरफ। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया क्या है, दीज आर मीडिया टू विच डाइज और अदर सब्सटेंसेस एडेड टू डिफरेंशिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंशियल से आपका अंदाजा हो जाना चाहिए, डिफरेंशियल यानी कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि हम फर्क देख रहे हैं किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब ये है कि इस कल्चर पे सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं कराया जा रहा, बल्कि एक से ज्यादा या दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ग्रोथ कराई जा रही है, ताकि आप फर्क देख सकें कि आया वो दोनों टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्पेसिमन में मौजूद हैं या नहीं है। तो इसके लिए क्या ऐड किया जाता है, कोई भी डाइज या इंडिकेटर जो है वो ऐड किए जाते हैं। डाइज और इंडिकेटर एक ही जिसको बोलते हैं, तो वो इस मीडिया में ऐड किए जाते हैं ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब मैनी डिफरेंशियल मीडिया डिस्टिंग्विश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया बाय इनकॉर्पोरेटिंग एन इंडिकेटर विच चेंजेस कलर व्हेन एसिड इज प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग फर्मेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल मीडिया के अंदर इंडिकेटर को एब्जॉर्ब कराया जाता है। इंडिकेटर की एब्जॉर्ब क्यों कराया जाता है, ताकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पर्टिकुलरली डिफरेंशियल मीडिया पे ग्रो शो करते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, जब वो फर्मेंट होता है तो वो क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। तो उस कलर की बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस कल्चर में मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैकॉनकी एगर या क्लैड एगर, तो मिसाल के तौर पे मैकॉनकी एगर को मोस्टली, अगर मैं सही बता रही हूँ तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट अभी उतना अंदाजा नहीं है, तो अगर मैं गलत हूँ आप कमेंट में जरूर मेंशन करें।
तो मोस्टली ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं उनको ग्रोथ किया जाता है मेकॉन की एगर पे, ताकि डिफ्रेंशिएट कर किया जा सके लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज के बारे में। क्योंकि जो लैक्टोज फर्मेंटिंग होंगी वो पिंक कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगी और जो नॉन लैक्टोज होंगी वो येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगी। तो अब वो कल्चर मीडिया एक ही था, लेकिन उन कल्चर मीडिया पे इन दो ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटेशन की बेस पे डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी बेस पे फिर हम जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे आया ये ऑर्गेनिज्म मौजूद था या नहीं था। तो डिफरेंशियल मीडिया आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल मीडिया में जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है कॉलोनीज को या ऑर्गेनिजम्स को उनके प्रोडक्शन ऑफ कलर बेस पे, जो कि कैसे प्रोड्यूस होगा कार्बोहाइड्रेट जब फर्मेंट करेगा। तो ये तो था डिफरेंशियल मीडिया। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया के भी नाम से ही आपको समझ आ गई होगी कि ये मीडिया जो है ये यूज किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और इसका मतलब ये है कि स्पेसिमेन जिस जगह कलेक्ट किया जा रहा है उसी जगह पे वो कल्चर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। आइदर जो है वो किसी कलेक्शन सेंटर पे कलेक्ट किया गया है, या फिर वो स्मॉल लेबोरेटरी से या डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी से रीजनल लेबोरेटरी पे सेंड किया जाना है। तो ऐसी सूरत में जब ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या वो ऑर्गेनिजम्स को उसी वक्त कल्चर नहीं किया जाता, तो फिर उन ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनकी उन लैब्स में जहाँ पे उनको कल्चर किया जाना होता है। तो उस सूरत में जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर उस स्पेसिमेन में कमेंजल्स यानी कि नॉर्मल फ्लोरल ऑर्गेनिज्म मौजूद थे तो उनकी ओवरग्रोथ को रोका जाए और पर्टिकुलरली वो ऑर्गेनिज्म जो हमें चाहिए उसी की ग्रोथ को वो फेवर करे, वो जो सर्वाइवल है उसकी ग्रोथ को एंश्योर करे। तो उस सूरत में ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज होता है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें भी ये लिखा है दीज आर मोस्टली सेमी सॉलिड मीडिया। अब इस मीडिया की जो कंसिस्टेंसी क्या होगी वो मोस्टली सेमी सॉलिड होती है। और दीज आर मोस्टली सेमी सॉलिड मीडिया दैट कंटेन इंग्रीडियंट्स टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ कमेंजल्स। वही बात कि ये ऐसे इंग्रेडिएंट कंटेन करता है जो कमेंजल्स की ओवर ग्रोथ को रोकता है या ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश करता है रोकने की और इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ रिक्वायर्ड पैथोजन व्हेन स्पेसिमन कैन नॉट बी कल्चर इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन। इसके मिसाल एग्जांपल कौन सी हैं, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोस्टली या ट्रांसपोर्ट मीडिया की एग्जाम्पल हैं तो आप बता सकते हैं कैरिब्लेयर मीडियम या फिर एमिस ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये जो टाइप ऑफ मीडिया ये है ट्रांसपोर्ट मीडिया। नेक्स्ट आता है एनएरोबिक मीडिया। एनएरोबिक मीडिया यानी कि ऐसा मीडिया, ये मीडिया उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है जिनको बहुत ज्यादा लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए। तो ये उन बैक्टीरिया या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए यूज होता है एनएरोबिक मीडिया। इसकी एग्जाम्पल है रॉबर्टसन कुक मीडियम, थायोग्लाइकेट ब्रोथ मीडियम। जैसा कि क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया, तो उसकी ग्रोथ के लिए रॉबर्टसन कुक मीडियम यूज होगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन मीडिया। आइडेंटिफिकेशन मीडिया जो है तकरीबन मिलता जुलता डिफरेंशियल मीडिया से, लेकिन इधर क्या फर्क आ जाता है, इसमें भी सब्सट्रेट या केमिकल यूज होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया को, लेकिन किस बेस पे। इसकी मिसाल जो है वो केलिगर आयरन एगर है। इसमें ये क्या फर्क आ जाता है, इसमें यह कि ऑर्गेनिज्म किस तरह आइडेंटिफाई होंगे, एक तो वो कलर चेंज होगा और उसमें से कई जो ऑर्गेनिज्म, ये मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए भी यूज होता है KIA अगर, तो इसमें क्या होगा कुछ ऑर्गेनिज्म कलर प्रोड्यूस करेंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कलर प्रोड्यूस करने के साथ साथ गैस प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से ब्लैक कलर जो है वो भी प्रोड्यूस होगा। तो वो गैस कौन सी होगी, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जिससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये जो है ये इसने कलर भी चेंज किया और कई उसकी बेस को और अच्छा आइडेंटिफाई हो जाता है। क्योंकि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं वो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं गैस, जैसे कि साल्मोनेला और शेजेला की स्पीशीज को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो साल्मोनेला जो है वो प्रोड्यूस करेगा और शेजेला जो है वो नहीं प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये तो था आज का लेक्चर कल्चर मीडिया के मुतालिक, जो कि पार्ट टू हमने कंप्लीट कर लिया है।